us once again. आज हम लोग जा रहे हैं राजस्थान. जोधपुर एयरपोर्ट के बाहर का रास्ता बहुत खूबसूरत है. हम लोगों को इधर एक यूनिक चीज देखने को मिले. दोनों तरफ दीवारों में कलरफुल पेंटिंग्स किए गए हैं, जो राजस्थान के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं. ये था हमारा होटल का कमरा. जैसे आप देख सकते हैं, इधर एक डबल बेड है, एक टेलीफोन है रिसेप्शन में कॉल करने के लिए, एसी था जो राजस्थान में होना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा एक टीवी भी दिया गया था, एक डेस्क और चेयर था, एक सोफ़ा था बैठने के लिए, लगेज वगैरह रखने के लिए एक जगह था ड्रेसिंग टेबल जैसा, सेपरेट वार्डरोब भी थे. और इधर का वॉशरूम बहुत अच्छा था, शावर का अलग सेक्शंस था और टॉयलेट भी बहुत क्लीन था. सो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं जोधपुर में. तो ये है जसवंत थाड़ा. तो देखिए, बहुत सुंदर नज़ारा है. टू गेट टू नो दिस प्लेस बेटर, वी टुक अ गाइडेड टूर. इट इज हाईली रिकमेंडेड टू टेक अ हेल्प ऑफ अ गाइड टू नो द प्लेस बेटर एंड इट्स रिच हिस्ट्री. हम लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मदद लिया. उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छे से घुमाया और जोधपुर शहर के डिटेल्ड हिस्ट्री हम लोगों को बताया. चलिए टूर स्टार्ट करते हैं जसवंत थाड़ा से. तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर की तरह लगता है मैम, लेकिन मंदिर नहीं है, तो राजा का एक स्मारक है, मेमोरियल. अच्छा, अच्छा. तो राजा थे जसवंत सिंह जी सेकंड से, अर्ली 18 सेंचुरीज में हुए थे. इन्होंने फर्स्ट टाइम मैम जोधपुर में फ्री हॉस्पिटल, फ्री स्कूल, फ्री कॉलेज, फ्री रेलवे और फ्री टेलीफोन सिस्टम दिया था जनता को मैम. बहुत ही सोशल किंग थे. अच्छा. आपकी इनकी डेथ के बाद में यहाँ मेमोरियल बनाया गया मैम. मैंने भी इन सब राजाओं के जो अंतिम संस्कार होता है वो मंडोर के पास होता था मैम, जो पुरानी राजधानी थी मारवाड़ की. लेकिन उनका फर्स्ट यहाँ हुआ मैम 1899 में. तो फर्स्ट उनके सन ने बनाया मैम, पहला वाला जो देख रहे हैं. लेकिन पब्लिक उससे हैप्पी नहीं थी मैम छोटे से. तो उन्होंने अपना मिनिमम पब्लिक का कंट्रीब्यूशन किया, चंदा इकट्ठा किया और मेरे के सेकंड मनाए. तो इंडिया हिस्ट्री में केवल एक ऐसा राजा जिसके दो मेमोरियल्स हैं. और सबसे अच्छी बात जो है, अभी आप आए, सनलाइट खुल गई है. जब आप मेरे साथ अंदर चलेंगे सूज खोल के, तो आप देखेंगे सूरज की किरणें मैम पत्थर की रोशनी को क्रॉस करते हुए अंदर आती थी. एक पवित्र स्थल है राजा का. इस राजा के साथ मैम 1899 में उनकी दो रानियां सती हुई थी. आपको पता है बंगाल में सती सिस्टम पहले था. हाँ, सती सिस्टम वो यहाँ भी था सर. तो उन दो रानियों के मेमोरियल राइट और लेफ्ट में. अच्छा. दूसरी तरफ राजा का बीच में. अब भी अगर रॉयल फैमिली में कोई डेथ होती है मैम, उनका अंतिम संस्कार नीचे की तरफ होता है. अभी भी जी, अभी भी होता. और डेथ के एक साल बाद जो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी होती है मैम, उसके बाद मेमोरियल बनाया जाता है. ये एक्चुअली सूरज की किरणें हैं. यहाँ देखिएगा सर, इस जगह ये मेरे हाथ के फिंगर्स दिख रहे होंगे आप.
दिख रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ये ट्रांसलूशन मार्बल। अच्छा, अलग अलग स्टोन अकॉर्डिंग जो सूरज का डायरेक्शन होता है, हाँ, तकरीबन सारे स्टोन में से लाइट अंदर आती हुई दिखती है। पूरे इंडिया में कहीं भी आपको मिलेंगे ट्रांसमिशन मार्बल का एग्जांपल से, आप पूरे इंडिया में घूम सकते हैं, देखेंगे बेस्ट चीज़ मिलेंगे। सबसे ज़्यादा 50 साल तक लगा चुका था सबसे राव जोधा जी, इन सब में एक कॉमन चीज़ देखेंगे सबके मुस्कान से सर आपके जैसे और वो पर्ल और ये रूबी मैम बड़े जरूरी था सर जमाने। अच्छा अच्छा, दो पर्ल एक रूबी। हाँ हाँ, कान सेगन भी होता है छोटा, हाँ, बच्चा जन्म का, हाँ, आपको याद हो अनपाषण संस्कार भी होता है उसी तरह, हाँ, से उसमें से एक था ये कर्ण छेदन ये जरूरी था, लेकिन ये दो रूपी और एक रूपी और दो पर कंपल्सरी था। ये नीचे क्रिमिनेशन ग्राउंड है, आज भी रॉयल फैमिली का क्रिमिनेशन नहीं होता और एक साल बाद जो उनका बात हो जाता है मेन तो मैम उमेश भवन पैलेस में रहती है, बाकी इस किले के पीछे जो कॉलोनीज हैं उनमें हाउसेज हैं। मिनिएचर पेंटिंग भी है, 1700 से 1900 तक की, आपको देख के ये लगेगा जैसे कल की बनी हुई है, बट इज 400-500 ईयर्स। ये देखिए मैम गणेश जी अगेन है, इनकी दो वाइफ थी मैम ऋतु और सिद्धि अगर आपको पता हो, और संत ऋषभ और लाभ, और बाद में दुर्गा है मैम आपके यहाँ भी प्रसिद्ध है काली, ये सरस्वती हैं और वो चामुंडा कुलदेवी, ये विष्णु जी हैं सर ये गरुड़ के ऊपर बैठे हुए नंबर वन लोटस हाथ में, ये ब्रह्मा जी इनके आगे सांझ ने पैदल चल रहे हैं सफ़ेद बालों वाले मेरे जैसे सफ़ेद बाल, ये सप्तऋषि मंडल हैं, हाथी पे बैठे हुए इंद्र हैं मैम, वो एलिफेंट सीट देख रहे हैं मैम ये वो कहलाती है हाथी होदा, और उसके बाद गॉड ऑफ फायर अग्नि है, नीचे इधर आप आते हैं येलो फेस के सेवन हॉर्सेज हैं, ये सूर्य इसके पीछे मून, नीचे यमराज वैसे ऊपर बैठे हुए, ऊपर अग्नि देवता हैं, ये कुबेर पालकी के अंदर बैठे हुए मैम, उसके बाद शिव जी अगेन, नीचे लोग चल रहे हैं मैम, लड़के लड़के गण हैं मैम दोस्त पॉजिटिव एनर्जी, ये सब लोग इधर जा रहे हैं मैम, ये हिमालय शिव जी के फादर इन लॉ, पार्वती जी ऊपर हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर में, नारद मुनि वहाँ खड़े ही हैं पॉलिटिशियन भारत के जैसे मोदी जी हैं वैसे, और ये शादी के बाद शिव और पार्वती मैम। अच्छा, ये पूरा ये स्ट्रक्चर बना है, आर्ट की बनी हुई पेंटिंग है सर और टाइम टू टाइम रिनोवेट होती है।
एक्चुअली सर मैम 745 मिलियन ईयर से बहुत ऐसे एक्टिव वॉल्केनो था हमारे यहाँ, बहुत बड़ा ज्वालामुखी पूरे मारवाड़ वो धीरे धीरे साइलेंट हुआ, तो इसके साथ मिनरल्स पानी सब कुछ मिक्स होता गया ना, स्टोन जो आप लेफ्ट सेंटर आपने देखा था राइट साइड में डार्क कलर का स्टोन था, बेस में फिर वाइट था, तो ये वही स्टोन है मैम, ये आपको फीलिंग ऐसे देता है जैसे कि लकड़ी हो पर ये जो वॉल्केनिक लावा स्टोन है। ये मैम सबसे सुंदर महल है जो हम बाद में चलेंगे, 1730 का बना हुआ है फूल महल जिसमें 2 किलो सोना बना हुआ है, तो काम किया हुआ छत और सारी दीवारें, जो राजा के डांसिंग हॉल का है और लेफ्ट साइड जो राइट देख रहे हैं इसके अंदर शीश महल है मीरा पैलेस 1660 का बना हुआ और जोधपुर फेमस है मैम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जो यूनिक टेक्सटाइल जिसमें जो हमने पीछे जो बताया था आपको राजा का बेडरूम है और आम एमिनेशन है, और उससे पहले जो सामने आप देख रहे हैं इसमें करीबन 500 ईयर्स ओल्ड आर्टिकल्स हैं, 500 साल पुराने पालकीज हैं, कैनन्स हैं, शोर्ड्स हैं, आपकी आइवरी से बने हुए टॉयज हैं मैम, सिल्वर की स्टैचू है, सिल्वर के वाइन गिलास वगैरह हैं, ऐसी चीज़ें हैं। एक्चुअली दौलत खाना था ये, दौलत खाना है दौलत खाना लिखा तो है, सब जमा रखे जाते थे, लेकिन अब म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया, जो लेफ्ट में ऊपर देख रहे हैं ये 2 किलो पहले मैम केवल रानी और राजकुमारी के रिलैक्स रूम थे, इसके अंदर स्विंग्स लगी होती थी, आज घरों में झूले होते हैं ना तो बगीचे में, तो फ्री टाइम में इस तरह को नाच गाना का प्रोग्राम देखा करती थी, वरना बाद में जो उनकी सर्विस होती थी जो पहले आज भी होता था मसाज सिस्टम मालिश वगैरह वो सब होता था, बाल ड्राई करने शैम्पू तो होता नहीं था मैम, आज आपको पता है क्ले होती है उससे सिर में लगाते हैं, वो मतलब वो सारे प्रोसेस रिलैक्स होते रहते थे। अभी जहाँ खड़े हैं सर ये रिजर्व टैंक है मैम 5 फीट गहरा है, 60 फीट इतना गहरा टैंक, जैसे बरसात का पानी आता है ना उन साइडों में उसमें कनेक्शन जुड़े हुए हैं पाइप में, पानी जमा होता है पीने का पानी, अच्छा पानी में अगर एक साल जो ढंग से बरसात नहीं होना मैम पानी की कमी नहीं होगी। ये जो आप देख रहे हैं लोग अंदर जा रहे हैं ये मिनिएचर पेंटिंग है मैम, ओके शो की गई है 1729 से लेके 19वीं शताब्दी तक, इसे करीबन 12 लोग में 1730 की बनी है, और एक समय का इंटेलिजेंस इंडियंस का जो मैंने आपसे जिक्र किया था चारों तरफ मिरर है मैम छोटे छोटे साइड मिरर, तो ट्रेवल के टाइम पर दुश्मन इन पर अटैक करे तो साइड में एक्स्ट्रा लोग चलते थे वो रिप्लाई कर देते दुश्मन को मार देते या जानवर को रोक में डेली जानवर की हमला करते थे ना मैम, ये जो खाने वाले थे सर ये सब लोग नॉर्थ ईस्ट से आते थे। राक्षस चिड़िया बन के दीवार पे बैठ गया था, शिव जी ने पहले उसे मारा उसके बाद घर में एंट्री की, तब से चालू तोरण जी, और ये मोड आपके बंगाल में तो मोयर होता है हमारे राइट लेफ्ट में होता है, अच्छा लड़की और लड़के के हाथ में मेहंदी देके हाथ जोड़ दिया जाता है और उसके बाद वो मंगनी के 4 फेरे निकालते हैं, 3 में लड़की आगे चलती है 1 में लड़का, अच्छा फेरे पूरे जब तक हो जाते हैं लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख सकते अरेंज मैरिज, और अगले दिन जब अपने घर जाते हैं एक डिनर होता है उस दिन बारात का खाना होता है, अपने घर में छोटा मंदिर होता है आपके भी होगा, उसके आगे जो लड़के की माँ होती है बहन होती है भाभी होती है वो फिर यहाँ से हटाती है और बोलती है, तब दोनों को एक दूसरे से देखते हैं। ये सारी तलवार ये अकबर की तलवार है लेकिन कभी किसी और पर यूज़ नहीं हुई जस्ट एक गिफ्ट, लेकिन आप ये काम देखे मैं भी सीधा फर्स्ट टाइम हंटिंग स्टोरी में तलवार के ऊपर काम किया हुआ, और ये हिल्ट देखिए मैम सोने और चांदी से काम किया हुआ, ये अगेन सोना दिस इज ऑल गोल्ड ऑल गोल्ड, रूबी देखिए मैम आइस में डाली हुई जो शेर की आंखें लाल होती है वो बताइए, इसमें बुलेट्स यूज होते थे गन पाउडर से फायर होता था, ये टर्टल की लेदर है जो कछुए की पीठ होती है, इसमें ये जरदोजी का काम है जो आपके ड्रेसेस को होता है जरदोजी, ओके चांदी के तारे में और सेमी स्पीसी स्टोन से, और वो कटार जिसे हम नाइफ बोलते हैं ये हेलमेट में ये मुगलों ने हमें इंट्रोड्यूस किया था हमारे हिंदुस्तान में नहीं था, ये था टर्बन और ये अंकुश में जो एलिफेंट की आप नेक में चुभोते हैं कहना मानता है, अगर खून नहीं आता सर जैसे आप उसको डायरेक्शन देते हैं उसका यूज है जैसे सपोर्ट
मगर ये बंदूक मैंने एक आदमी चलाता था कि एक ही, पर ये चलाई भी नहीं है। गिफ्टेड है, चलाने वाली बंदूक के ऊपर है जो आप। ओके ओके, ये गिफ्टेड है। लुक लाइक ए डांसिंग गर्ल, बट इसके पीछे से बॉटल है, तो उल्टा करना और होता है। इसके अंदर से 60-100 ml वाइन या ओपियम, ओपियम का बॉटल है, वो डाल के आप गर्ल्स के हाथ जो बने इससे आप पी सकते। बाप रे, ये तो होता है। ये अगेन गर्ल्स की स्टाइल है, लेटी हुई। ये इज फॉर द हुक्का स्पाउट, हुक्का पीने के लिए। ओके, ये बीटल लीफ बॉक्स है मैम, पानना। ये वाटर पॉट लक्ष्मी जी की जो 8 फॉर्मेशन है मैम, वो बनी हुई है सूरज को जल चढ़ाते हैं जो से। ये बीटल बॉक्स में जो सुपारी होती है सर वो रखने के लिए। ये पैन बॉक्स भी आपके लिए, आपके टेबल के लिए। और ये बम्बलिंग बॉक्स अगेन आपके लिए, जो आप सिंदूर लगाते हैं बीच में। और ये फायर बॉक्स, एक चीज तो मेड इन चाइना है सर, बाकी जोधपुर की कुछ भी। ये मैम कॉस्मेटिक बॉक्स है, उस जमाने में चंदन की लकड़ी होती थी सर, साउथ से आती थी। हाँ। उससे बने मैम, और जो कहानी देखे मैम, ये राम और सीता रामायण की है मैम, रामायण की शॉर्ट स्टोरी है। और इसमें महिषासुर और ये पंचवटी है शायद। जी, पंचवटी। और ये महिषासुर दुर्गा की फाइटिंग है मैम। ओके, ये मैम साउथ से लाए हुए म्यूजिशियन से आईवी से बने हैं, हमारे यहाँ अधिकार नहीं होता मैम। हाँ। और ये डम्बल्स अगेन लकड़ी से बने हुए हैं। हमारे यहाँ की गर्ल्स उस जमाने में आज़ादी से पहले वर्कआउट करती थी। ओके, कि वो पोलो तो खेलती थी मैम, बॉर्डर पोलो था हमारे यहाँ गेम था, लेकिन वो लड़ाई में भी जाती थी। तो अगर आप घोड़े के मैदान में पकड़ोगे, तलवार भी चलाओगे, तो आपकी कलाई और कंधा मजबूत होना जरूरी है। तो उनके लिए वर्कआउट है बिल्कुल ही लाइट हीटेड है मैम, 1 किलो के आसपास जो लगता है जैसे 10 किलो के होंगे, बट इज ओनली 1 किलो। सर ये आपके लिए, ये वाटर स्मोकिंग पाइप है उसका। ओके, ये 5 टाइम फिल्टर है मैम, 1, 2, 3, 4, 5 पानी भरा रहता है। आप तंबाकू और कोल डाल सकते हैं, उसके बाद जो होता है सर आपका धुआं, वो उसमें से होते हुए नीचे पाइप से निकलता है, तो चेस्ट को अपने लंग्स को कम नुकसान करता है। इतना बड़ा बॉटल से 2 सुराही है मैम, चांदी से मिली, अर्ली 19th century की, सब चांदी के। हैदराबाद में जो बीकर जगह में जो बीकर काम करा था मैम, सिल्वर को ऑक्सीजन के साथ चला के बनता है, हीट और कॉपर को मिला के, ये सब हुक्के के पार्ट है। और ये आइवरीज के टॉयज है मैम, राजकुमार रानी और राजकुमारियों के खेलने के लिए। ये जोधपुर के रेलवे स्टेशन का मॉडल बना हुआ मैम, जो कार्स हैं ये सिल्वर की बनी हुई हॉर्स कार है। इंडिया में ट्रेन आ गई थी 1853 में, हमारे 1885 आए थे, 50 फोर की है सर, चारों की एक साथ ही लगी ना मैम, उन्हीं खुले थे। अच्छा, ये ज्वेलरी बॉक्स है, बड़े बड़े बक्से होते थे सर। बाप रे, जैसे आपके कंप्यूटर के बक्से नहीं आते जब बाहर से आता है। हाँ, हाँ। ये बड़े दरवाजे, जब वापस निकलेंगे ना मैं आपको रोड दिखाऊंगा, उन रोड्स में लॉक रहता था जैसे ये देख के। और ये पुरानी करेंसी है सर, अकबर से लेके ईस्ट इंडिया कंपनी तक इस टाइप के सिक्के आपके घर में हो सकते हैं ब्रिटिश वाले। ये पुराने जो मैम मोहरें बोलते थे अपन हिंदी में, गिन्नी या मोहर, मोहर वो ये सोने तांबे और चांदी की। पार्वती जी का दूसरा नाम गणगौर है मैम, गौरी। अपने इंडिया में कई जगह अलग अलग स्टेट में पूजा होती है, तो जो मैरिड लेडी जैसे आप हैं, अपने अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए इनकी पूजा करते हैं। पर्टिकुलर डे आता है मैं फास्ट रखते हैं पूरे दिन, शाम को चंद्रमा निकलता है उसको देख के खाना खाते हैं, मतलब जो आटा वगैरह छानते हैं ना वो छलने से, उसमें छोटा सा दीपक रख के उनका फेस देख के या फिर छोटी रिंग उसमें चंद्रमा को देख के फिर अपना फास्ट करें, पूरे दिन आप पानी भी नहीं पीते खाना पीते। और जो अनमैरिड लेडी होती है अपने होने वाले अच्छे हस्बैंड के लिए इनकी पूजा, 20 किलोग्राम सिल्वर से ही बनी हुई मैम। और ये राजस्थानी ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट है, राजपूत परिवारों में जो वॉरियर्स फैमिली है उनकी डॉटर्स को आज भी ज्वेलरी दी जाती है मैम, अगर वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, वो सेम है, इसे कंपल्सरी। इन कैसी गनों को चलाने के लिए मैम ऊंट की पीठ के ऊपर बांधा जाता था। अच्छा, इसके पास हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं मैम, ये कितने साल पुरानी है। ये हमारा इंडिया है सर, और ये श्रीलंका। तो रामेश्वरम के पास मैम राम सेतु है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आज वो पुल है जो रामचंद्र जी के टाइम था, पानी के अंदर अभी दिखता है ये वो है। अच्छा। एक्चुअली अगर आप साइंटिफिक रीजन देखें मैम, इस वाले यूरेनियम स्टोन है, आज भी अगर आप यूरेनियम को पानी में डालो मैम डूबता नहीं है। और जो स्टाइल जो पेंटिंग है मैम वो उस वाले मारवाड़ी पेंटिंग, क्लोज आईज विद द हैवी लीड्स। अच्छा, राजस्थान में अफीम ज़्यादा चलता था पहले। ओके, अफीम के थोड़ा सा पीने के बाद एक्चुअली वाइन के बाद आदमी थोड़ा कुछ किसी भी टाइप का बिहेवियर कर सकता है, रूड भी हो सकता है, लेकिन अफीम में ऐसा नहीं होता। अच्छा, आदमी कूल हो जाता है।
थोड़ी देर में जाके सो जाता दिखाया था। और क्लॉक टावर इनके सन ने बनाया था। और ये तखत सिंह जी महाराजा तखत सिंह जिन्होंने उनका बेडरूम सबसे लास्ट में चलाएंगे। और जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी राज 14 की अगेन 30 और जो 18 नंबर से उदय सिंह इनकी डॉटर की शादी अकबर से हुई थी 14 अकबर जो पिक्चर अच्छा इनकी डॉटर जी सर थोड़ा मैं घूम करके देखना आप इनकी आई लेसेंस भी देख सकते हैं सीता जी इनकी आप नोज भी देख सकते इतना डीप डिटेल है मदर जो चीज़ होती है वो पति के बराबर नहीं होती तो पूरा ब्रह्मांड एक माँ के अंदर होता है वो स्मेल्टिंग है और ये वाला अच्छा वो चक्रा सिस्टम। अभी हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और देखेंगे फूल महल शीश महल और तखत विला गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड पूरा सिल्वर पूरा गोल्ड टू गोल्ड थ्रेड है गोल्ड एंड सिल्वर अनोखा हाँ शाही टेंट जी ये कारपेट है मैम वेलवेट के साथ पूरे सोने के तार देखिए आप छोटे छोटे और सफ़ेद जो देख रहे हैं मैम विजय सिल्वर अच्छा। बाकी कॉटन की वॉल्स है मैम जो कवर होती थी और वेलवेट की सीलिंग है छत लेकिन शिकार के लिए बाहर जाता था मैम तो उनका लिविंग रूम कम बेडरूम बनता था दीपक की रोशनी कांच पे जाती थी मैम कांच से रिफ्लेक्ट होकर जो अपने देवी देवताओं की पेंटिंग लगी ना मैम इस पर गिरती थी तो उसको ऐसे लगता था राजा को कि मैं भगवान के सामने ये ट्रेडिशनल राजस्थानी पोशाक हैं जो पूरा गोल्ड से बना हुआ है बहुत खूबसूरत दिखता है अच्छा और ये अगेन कृष्ण जी के पुजारी थे कृष्ण जी की पेंटिंग बनी हुई है पेंटिंग ऊपर देखें आप ब्लू और पर्पल कलर इसे दो दिनों ने मिलकर बनाया था मैम एक दिन की सडनली एक्सीडेंट डेथ हो गई इसे पूरा नहीं बन पाया जो आप वाइट देख रहे हैं मैम पार्क का हिस्सा ये फिर बन नहीं पाया पूरा और इंडिया जो फेमस है मैम मेलोडीज के लिए क्लासिक म्यूजिक तो फर्स्ट फ्लोर में वो सारा मैंशन है और राजा के 9 लड़के थे मैम फूल महल से निकलने के बाद हम लोगों को ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला इधर से आप पूरा जोधपुर शहर देख सकते हैं अभी हम लोग जहाँ आए हैं ये आर्मरी सेक्शन है इधर नाइफ तलवार और कंधों पर रख के गन चलाने वाली बंदूकें मौजूद है चलिए देखते हैं Thank you.
का बेडरूम। मुस्लिम और राजपूत तीनों आर्किटेक्ट थे, तीनों तरह की पेंटिंग्स और कलर। और वो सब बेल्जियम ग्लासेस, और बेल्जियम ग्लासेस और बॉल्स भी है ऊपर की तरफ देखिए। वो बॉल्स किसके लिए है? ये नाइट लैंप की तरह काम आती है, सर लाइट ऊपर गिरती है। अच्छा। और ये हैंगिंग फैन है मैम ब्रिटिश स्टाइल का, जिसमें लेडी सर्वेंट दूसरे रूम में बैठती थी मैम, धागे को आगे पीछे करने से ये हवा होती थी। और ये चौपड़ है मैम, देखिए आप टेबल के ऊपर लगी हुई छोटी टेबल पे, चौपड़ से ही मैम महाभारत हुआ था वो, पास नहीं खेल था सुकूनी। तो ये क्या पुराना ही सीढ़ी है? ये पुरानी है, ये इसलिए होती है कि एकदम से दौड़ के कोई चढ़ नहीं सके, दौड़ के उतर नहीं सके। ऐसे लगता है जैसे आयरन के बने हैं, टीकुट से बने हैं। हाँ, बड़े सुंदर से गोल्ड गोल्ड कलर है, गोल्ड कलर है। हाँ, अच्छा सुंदर बना है, उसके 450 साल पुराना, जिसमें आयरन भी चढ़ा है। बहुत कॉस्टली। गर्ल्स डांस कर रही हैं, वाइन भी पी रही हैं, बॉटल भी हाथ में, ग्लास है, लेफ्टलेस लाइफ। पांच सौ साल पुराने बुक्स हैं, इसे पुराना रिकॉर्ड आता था। बाप रे, रानियों को पैसे मिलते थे सर, उनसे जनरली वो स्टेट बस बनानी थी, वाटर बॉडीज बनानी थी और टेम्पल्स बनाती थी। अच्छा। बच्चे को देखने पापा के घर जाता है, ये बहुत जुड़ा है। अच्छा, ये झूला ऑटोमेटिक प्लास्टर है, उनके साथ चूने के पानी को मिला के प्लास्टर किया। ओके, ये हम साथ साथ है मूवी का इधर शूटिंग हुआ था, उनका जो घर का सीन था ना। हाँ हाँ, लाइट्स आते हैं ना, कलर तो एक्चुअली ब्यूटीफुल ना। किसी भी टाइप का जस्टिस करना होता तो यहाँ होता। लेकिन सबसे बड़ी बात मैम, आप सुनकर खुश होंगी, पीछे 5 खिड़की है जहाँ पर उस जमाने की रानी या उनकी बेटी या बहू या बहन या माँ बैठती थी, और वो लोग वहाँ से सुनते थे, आगे पर्दा लगा रहता था। आप उनका
का फेस नहीं दे सकते थे कौन बैठा हुआ है। देखा छोटे छोटे रिंग्स लगी हुई हाँ। कई बार कुछ लोग उनको राजा को मिसगाइड करते थे अपने वुमन इंटरेस्ट के लिए। तो कोई भी महिला को लगता है गलत है कि नौकरानी को भेजकर दासी होती थी पहले नौकरानी जी बोलते थे वो आके राजा के सामने बीच में खड़े होकर एक्सप्लेन करते थे ये गलत है ये होना चाहिए किसने भेजा ये नहीं होना ठीक है सर। राजा इमीजिएट 99.9% डिसीजन को बदल देता था।